हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ऑयली जो स्किन है उसके लिए आप क्या उपाय करें जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये फॉर्मूला 100% वर्किंग है। आपको 60 ग्राम देना है बेसन और आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी लेनी है, जिसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें। और चौथाई चम्मच जो है 8-10 बूंद सरसों का तेल लेकर के इसे इतना फेंटें कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इसमें आप सरसों की जगह तिल या जैतून का तेल मिला भी सकते हैं और इसको बिल्कुल पेस्ट बनने तक फेंटना जरूरी है। इसे ऐसे नहीं लगाना है, अदरवाइज अब पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। 5-10-15 मिनट तक अच्छे से फेंटिए ताकि जो पूरा तेल है वो बिल्कुल क्रीम जैसा गाढ़ा लेप हो जाए। इस उपटन को आप अपने चेहरे पर, गर्दन पर, बाहों, हाथ पैरों और कोहनियों, घुटनों आदि पर लेप कर लें। इसके बाद 15-10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें और बाद में हल्के हाथ से इसे छुड़वा लें। उपटन की तरह से छुड़ाना है और बत्तियों के रूप में जब सारा उपटन उतर जाएगा तब आप इसे गुनगुने पानी से धो लें या स्नान कर लें और तौलिए से हल्के हाथ से सुखा लें। इससे आपकी त्वचा जो है बिल्कुल साफ, रेशम जैसी चिकनी और मक्खन जैसी मुलायम और चमकदार हो जाएगी। चेहरे की रंगत निखर उठेगी। बेसन और हल्दी के ये जो मैंने उपटन आपको बताया है, इसको चेहरे पर लगाने से झाई, दाग, झुर्रियाँ और कालीमा या चेहरे के अनावश्यक बाल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यह उपटन स्नान से आधा घंटा पहले लगाना अच्छा रहता है या फिर रात को सोने से पहले लगाएं। इसे लगातार 2-3 दिन लगाने के पश्चात हर दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में आप एक बार भी इसे लगाएं या एक मंथ में 4 बार अवश्य लगाएं। शीतकाल में सुविधा के अनुसार 2 सप्ताह में एक बार तो जरूर करें। इसके 6-7 बार प्रयोग करने से आपको अपने रंग में पूरी तरह से अंतर दिखाई देने लग जाएगा। और साबुन की जगह आप यह लगाते हैं तो आपका वर्ण जो है बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन आपका हो जाएगा। उपटन लगाते समय गर्दन को ना भूलें। ध्यान रहे कि यह भौहों, पलकों पर नहीं लगना चाहिए। होठों पर भी इसे ना लगाएं, अन्यथा आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी। चिकनी या तेलीय त्वचा के लिए घर का पिसा हुआ बेसन इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। केवल बेसन को भी पानी में घोलकर आप लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। इससे आपकी ऑयली स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, चेहरा खिल उठेगा। बेसन का यह लेप चेहरे को इतना मुलायम बना देगा कि ये मक्खन भी आप इसके सामने बिल्कुल फेल है। झुर्रियों से बचने के लिए हमेशा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है इस उपटन की, और गाल पर नीचे से कनपट्टी की तरफ, नाक से कान की तरफ, ठोड़ी पर बाईं और दाईं दिशा में और झुर्रियों के विपरीत दिशा में हथेलियों को ले जाते हुए इससे आपको अप्लाई करना है। एक तरीका मैं और बता देती हूँ आपको। एक शीशे की प्याली में यानी बाउल में आपको 100 ग्राम कच्चे दूध में 1/4 नींबू रस लेना है और इसका इतना नींबू लेना है जिससे कि वो दूध सारा फट जाए। और इसे आप चेहरे पर धीरे धीरे मलें। तदुपरांत जो है आप गुनगुने पानी से इसे वॉश कर लें और चेहरा धो लें तो आपकी त्वचा जो है बिल्कुल कोमल और कांतिमय हो जाएगी। यह जो है क्लींजर टू ऑयल स्किन है, बहुत अच्छी चीज़ है। नींबू का रस अतिरिक्त चिकनाई को साफ करता है तो कच्चा दूध जो है वो त्वचा को मखमली बना देता है। यदि गर्दन आपकी मैली हो गई है, आभाहीन हो गई है, तो आपको जो ये मिश्रण मैंने बताया है इसे आप कॉटन बॉल में लेकर के या स्पंज की सहायता से गर्दन पर लगाएं और धीरे धीरे साफ करें। फिर इसे सूखने दें और गुनगुने पानी से वॉश कर लें तो आपकी त्वचा जो है बिल्कुल स्वच्छ, मुलायम और कांतिमय हो जाएगी। अधिक देर यदि आप धूप में बैठे हैं, इसके कारण आपका चेहरा मुरझा गया है या चेहरे का रंग पीला पड़ गया है, तो चेहरे को धोने के बाद नींबू की बूंदें मिला हुआ दूध कॉटन बॉल में लेकर के चेहरे पर लगा करके छोड़ें। इससे त्वचा जो है टोंड हो जाएगी और कुछ देर बाद आप इसे धो लें और हल्के हाथों से पोंछ लें तो आपका धूप का जो चेहरा मुरझाया हुआ है बिल्कुल कोमल हो जाएगा, किल मुहासे दूर हो जाएंगे और त्वचा बिल्कुल साफ हो जाएगी। यदि आप प्रातः दूध उबालने से पहले कच्चे दूध की कुछ बूंदें हाथ पर लेकर के उसमें नींबू का रस मिलाकर के चेहरे पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में बहुत महंगे से महंगा उत्पाद लगाने के बाद भी जैसी आपकी त्वचा नहीं होती है, इस उपाय से
बिल्कुल आपकी त्वचा जो है शीशे की तरह चमकने लग जाएगी। यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो मैं आपको एक और लोशन बता देती हूँ जिसे आप